पकड़ के चलने वाला बात नजर नहीं आएगा। उस दिन तुम्हें लगेगा तुमने कितनी टीम की शय को खो दिया है। सरकार से बात की जिंदगी देखिए, यहाँ से आगे बढ़े, वाकया सब जानते हैं। वाकया बताना मकसूद नहीं है, कुछ और बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था ये बच्चे झूठ बोल देना तो तेरी सोने के सिक्के बच जाते, तेरे पैसे बच जाते। वैसे बाप ने क्या कहा था, झूठ कैसे बोल देता, मेरी माँ ने चलते वक्त वादा लिया था। अब तो कादिर झूठ नहीं बोलना है, कहिए तो 40 सिक्कों की बात है, माँ की बात है। बेटा तो चोरी करके आ जाए, दुनिया भर के मुकदमे चल रहे होंगे, जेल काट के आ जाए और माँ से फिर भी पूछो क्या तेरा बेटा चोर है। वो कहती है कि दुनिया झूठी है, मेरा बेटा सच्चा है। ये माँ होती है और तुमने उस बाप दामन से झूठ बोला, उस सादा दिल साहब से झूठ बोला। खुदा रा माँ की इज्जत किया करे, यूं ही अब्दुल कादिर नहीं मना करते, यूं ही अब्दुल कादिर नहीं मना करते, बहुत कुछ करना पड़ रहा है मेरे भाई। दो बातें, एक बात और कह जाऊँ बस आखिरी बात, तकदीर को हर साथ क्यों लगी लगी। मैं एक बात और कहते जाना चाहता हूँ मेरे भाई, इनकी हमेशा ऐसी तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे क्या बात था, 40 हमारे, 40 हमारे भाई, 40 हमारे, 40 तुम्हारे, 40 तुम्हारे भाई। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कचहरी के जाके देखिए, हमारे ही मुकदमों से भरी हॉस्पिटल देखिए, जितने मुसलमानों के सर टूटे हुए होंगे पूछने की जरूरत नहीं है, तहकीक से समझ लेना कि भाई मिशन हो रहा है। जितनों की टांगें टूटी भी नहीं और किसी झगड़े में टूटी है, समझ लेना जमीन का झगड़ा है। खुदा रहा दो रुपए के लिए लड़ती है। मैं सिर्फ एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ, कभी अपनों से पैसे के लिए ना लड़ो। दौलत आप पैर का मैल होती है, दौलत मेहनत से मिल जाती है, लेकिन रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं, रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं। भाई साहब देखा, आज सगा भाई भाई की कमेटी में रखे हुए, सगा भाई हसद की आग इतनी हो गई कि एक ही घर के अंदर अगर दो बहने हो, तो दो बहनों से, सगी बहनों से एक दूसरे का शोहर नहीं देखा। याद लगी हमारे घरों में, सगा भाई अपने भाई की तरफ भी नहीं देख सकता, सगी बहन अपनी बहन को भरता हुआ नहीं देख सकती। हसद की इतनी आग क्यों लगी है, मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं। बचपन देखा है, सभी बचपन से दुखे, कोई ऐसा नहीं हमें दुखे उसको खराब, सबने जन्म लिया है। मगर याद होगा जब कभी हम मदरसे या स्कूल जाते थे, हमारा एक भाई इंग्लिश मीडियम, दूसरा हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम वाला पहले आ जाता है, इंग्लिश मीडियम वाला बाद में। जब एक भाई आ जाता है, पहले छोटा भाई आता है, माँ कहती है बेटे खाना निकाल दो, वो कहता है नहीं अभी मेरा भाई नहीं आया, जब वो आएगा तब खाना खाऊंगा। माँ तकदीर के नीचे से फल निकाल के देती है, बेटे ये सेब है खा ले। तो हम क्या कहते हैं बचपन में, अम्मी मुझे तो दे दिया, मेरे भाई के लिए बचा है कि नहीं। अगर कोई पैसे की तकसीम की बात आती है, तुमने नहीं देखा एक बच्चे को उसके हिस्से की चीज दो, वो मुट्ठी बांध के कहता अब मेरे भाई का हिस्सा दिया जाए, अब मेरी बहन का हिस्सा दिया जाए। हम जब बचपन में थे तो रिश्ते इतने प्यारे थे, अपनों के बगैर खाना नहीं खाते थे, अपनों के बगैर चीज नहीं खाते थे, अपनों के बगैर घर नहीं खाते थे, लेकिन ये किसकी नजर लग रही है, रिश्ते भी वही है, भाई भी वही है, लहू भी वही है। इसलिए कभी रिश्तों से ज्यादा दौलत नहीं होती,
इधर दम निकलेगा उधर मदीने वाले मुस्तफा का करम हो जाएगा। हम ताजदारे बगदाद का नाम लेने वाले हैं, तुम्हारा बात पेश करता हूँ जो सरकारे वसीफा का नाम लेते हैं, इसलिए कि फरमाया गया सरकारे आला हज़रत ने भी दुआ मांगी थी, कादरी कर कादरी रख कादरी होने उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। फरमाया गया जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। लोग कहते कैसे हो सकता है, फरमाया गया जो कादरी इंतकाल करेगा अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी। हर कादरी को मरने से पहले तौबा की तौफीक अता होनी है। इसलिए मेरी गुजारिश है सारे लोग अपने घरों में ताजदारे बगदाद के लंगर का इंतजाम करें, अगर खिला ना सको तो खाने की आदत डालो, इसलिए कि उनके दर की खैरात से भी हजारों बीमारियां टल जाया करती हैं। और तबर्रुकात में शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं तो भाई 4 किलो का अकेली बिरयानी अपने घर में बनवा सकता हूँ, 10 किलो का खा सकता हूँ भाई, हाँ खा सकता है, लेकिन लंगर हर किसी को नहीं मुकद्दर वालों को मिला मुकद्दर वालों को मिला करता है। हमारा तो ऐलान ये रहता है तेरे टुकड़ों पे तले गैर की ठोकर तेरा डाल, झड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा उमालीना इल्लल वला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।